कोई नया अनुरोध आविष्कार लेता है, कोई नया चमत्कार आविष्कार लेता है। जरूरत में सुखी आदमी को जरूरत ही नहीं है तो आविष्कार नहीं होंगे उसके जीवन में, कोई चमत्कार नहीं होगा। आविष्कार कब होंगे? जब जरूरत बढ़ेगी तब होंगे। इसीलिए कभी भी किसी भी चीज को बढ़ाने के लिए अपने आप को जरूरतमंद बनाए रखो, जरूरतमंद बनाए रखो। खाली भोग से इच्छा कम रखो, ये मेरा हो जाए मेरा हो जाए, ये इच्छा छोड़कर जरूरतमंद। जरूरत तो है आपकी, वो कभी पूरी नहीं होगी, पर मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, ये भाव तैयार करो। अपने परिवार में रह के भी, गृहस्थ में रह के भी आप इस तरह का सोच सकते हैं। जो भी है वो बच्चों का चल रहा है, बच्चों के लिए हो रहा है सब। मेरा क्या था, मेरा क्या है, मेरा क्या रहेगा, इस तरह बोलते चलते कार्य करें। देखो सफलताएं हर जगह, सफलताएं आती रहेंगी, काम होते रहेंगे। आज नारद जी ने कहा, इस महान दिव्य कथा को लिखने के पीछे जो राज है उस राज को सुनो। क्या राज है? षष्ठमासम तथा योगम यस्य गम्यम तकलयुगः। व्यास जी ने एक दिन सपने में देखा कि 6 महीने के बाद में कलयुग आने वाला है, और व्यास जी दुखी हो गए, रोने बैठ गए, मुरझा के चेहरा। अब बताओ आप, डॉक्टर घोषणा कर दे कि 3 महीने के बाद में फलाने व्यक्ति को मौत आ जाएगी, 1-2-3 दिन जिएगा, बस उसको ये रोग है और इस रोग की वजह से इस आदमी को 3 महीने से ज्यादा जीवन नहीं है, तो भैया आदमी तो मरेगा, साथ में पूरा परिवार टेंशन में गम में डूब जाता है। व्यास जी को सपना आया। कैसा सपना? अनादरम पुत्राणाम पित्र मोहिताः, अर्थात कलयुग जब आ जाएगा तो भैया झोपड़ियों से ताले लटक जाएंगे, मोटे मोटे है कुछ नहीं, चूहे भूखे भाग रहे हैं झोपड़ी में से, कुत्ते को भी आटा मिलता नहीं, ढूंढ ढूंढ के थक गया फिर भी ताला लगा के जा रहा है मजदूर। ये कलयुग है। और याद रखो, राजा महाराजाओं का साम्राज्य है, चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर के साम्राज्य में भैया ताला पूरे हस्तिनापुर में कहीं नहीं है, कुबेर खजाने से भी ताला नहीं था, इसलिए समृद्धि की कमी ही नहीं है। भगवान की संपत्ति पर ताला आ जाए तो समझ लो भैया यहां तो कर करके थक जाएंगे, पर कभी भी इकट्ठा नहीं होगा माल। ताला आ गया भैया, लेना न देना, ताले पड़े हैं, ताले काय के लिए ताले पड़े? 11,000 रुपए अलमारी में रखे, उसके लिए ताला डाल रखा है, दुनिया भर का ताला, लॉक में लॉक, लॉक में लॉक, अंदर वाले इतनी सी अलमारी में पैसे रखे हुए हैं, चोर भी आ जाए तो उसको 3 घंटे लगे तोड़ने में। कितनी रखवाली हो रही है भैया 11,000 रुपए की, कितनी रखवाली हो रही है? अच्छा ये मानो चोरी नहीं भी हो 11,000 रुपए की, उससे तुम्हारा कोई काम बनने वाला? 11,000 रुपए से भाई तुम्हारा क्या बन जाएगा, बोलो क्या बन जाएगा? सीमेंट लिया तो ईंट नहीं आएगी, ईंट लिया तो सीमेंट नहीं आएगा, सीमेंट लिया तो रेत नहीं आएगा, रेत आ गया तो मिस्त्री ना बोल देगा, 11,000 में हो कुछ नहीं रहा है। कुल मिला करके सब जाना है तो जाओ, अभी ले जाओ, जिसको ले जाना है ले जाओ भैया, रख दो, पर 11,000 तो गुरुजी बहुत होते हैं, हम तो 100-100 रुपए पर पसीना छोड़ जाते हैं महाराज, 100 रुपए पे 150 रुपए का पर्स गुम हो गया किसी महिला का परसों, तड़प रही, बिल बिला रही, घबरा गई 150 रुपए के चक्कर में। अच्छा ये हो गया कि पर्स मिल गया, मैंने कहा ये आदमी और कम हो जाता कथा में एक खाम खा, वो तो अच्छा हो गया कि वो मिल गया। अरे मैंने कहा भाई 150 रुपए में इतना क्या हो गया, गया तो गया, और गया तो कहीं गटर में नहीं गया, किसी व्यक्ति के हाथ में गया, ये तो कहीं ना कहीं काम आएगा, पैसा कभी भी बिना काम आए नहीं रहता, वो काम आता रहता है, ले गया तो ले गया। इधर दाने दाने पे खाने वाले का नाम है, ऐसी नोटों पे भी नाम है, खर्च करने वाले का नाम है। अच्छा एक बात बताओ, पर्स में से चला गया तो रो रही है, और अपने हाथ से शक्कर खरीद के लाएगी, गुड़ खरीद के लाएगी, दाल खरीद के लाएगी, बनिया को अपने हाथों से दे के आती है, बिल्कुल नहीं रोती, बोलो चोरी हो गया तो रो रही हो, गया रे। लियो सेठ जी, लियो सेठ जी, लियो सेठ जी, लियो सेठ जी को खुश हो के दे रही है, अपने हाथ से दे रही है तो खुशी, और अनायास चला गया तो दुखी। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अज्ञान। ये अज्ञान है, हमारा कभी जाएगा नहीं, और जो हमारा है नहीं वो रुकेगा नहीं, इसलिए जाने दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है। बोलिए क्या करें? मैं एक दृष्टांत सुनाता हूं आपको मेरी जिंदगी का। है तो बड़ी खूबसूरत कन्या थी एक, हमारे
शिष्य मंडली में ही थी, नाम नहीं लूंगा, टेलीविजन पे, तो उसने ऐसे इंटर कास्ट में थोड़ा मैरिज कर लिया, प्यार कर लिया किसी से कॉलेज में, घर वालों को पता चल गया और थोड़ा इतना ज्यादा इंटर कास्ट कर लिया कि वो चलता नहीं हिंदू को, बड़ा मुश्किल में हो गई जान, समाज में नाम बड़ा, आई सोने वो बड़ी दुकान, बड़ा वैभव, सब चीजें, बड़ा मुश्किल हो गया। उसके बाद में कैसे भी करके लड़की को मना मुनू के घर ले आए और उन्होंने षड्यंत्र किया कि लड़की को कमरे में बंद कर दिया और ताला डाल दिया बाहर से, कमरे में भोजन, कमरे में नहाना धोना सब कमरे में। 6 महीने निकल गए, 8 महीने निकल गए, 11 महीने निकल गए, 1.5 साल निकल गया, 2 साल निकल गए, कमरे में ही रह रही है घर में ही, अभी दरवाजे का मुंह नहीं देख रही, 1.5 साल से 2 साल हो गए, 2.5 साल, और मैं अपने विश्वास और आंखों देख हाल बता रहा हूं, 3 साल तक कैद बंद रखा घर में, पूरा घर रखवाली करता रहा। 3 साल के बाद में लड़की को जो करना था वही किया, सबने रखवाली की पर कोई रोक पाया नहीं। बोलो, 3 साल तक बेटी भी मानती रही घर वालों का, बंद रखो, मैं नहीं कर रही कुछ, मैं नहीं जाऊंगी कहीं, मैं नहीं कर रही कुछ, मैं नहीं जाऊंगी कहीं, और समय आते से ही खेल खत्म। तो भैया, किसी चीज के प्रति कितना भी आप स्तब्ध रहो, सावधान रहो, चेतन रहो, पर भैया घटना है वो तो घट जाती है घटना, पर ये भक्ति घटनाओं में नहीं आती है, ये ज्ञान घटना में नहीं आता है, ये कथा घटनाओं में नहीं आती है, ये नियोजन है, ये बिना किए कभी सुनने के काम नहीं आएगी, ये नियोजन से सुनना पड़ेगा, घटना नहीं है ये। जीवन में घटना अलग चीज है। आपका पैर मोच आ गई, पैर मुड़ गया, पैर चल रहे थे खटम खटम खुशी खुशी में, हमें थोड़ी पता था ऐसा हो जाएगा, इसको घटना कहते हैं। चलते फिरते बुरा, चलते फिरते दुख आ गया, चलते फिरते क्या हो गया, ऊंचा नीचा पैर पड़ा और उसमें सब नुकसान हो गया, अब 50,000 रुपए में भी सीधा नहीं हो रहा, हो दे प्लास्टर, ऐसी जगह से चुर्र कर गया है कि वहां प्लास्टर भी नहीं घुस रहा। ये क्या है, ये है घटना, हो गई और हमें नहीं पता था ऐसा भी हो जाएगा, हम तो मस्ती में थे, पर घटना भैया कथा में ऐसा नहीं होता है कि चलते फिरते और कथा पूरी आ गई, पूरा भाग्य हो गया, नहीं कभी नहीं होगा ऐसा, चलते फिरते राम भी नहीं मिलेगा, वो भी नियोजन से ढूंढना, नियोजन से पकड़ में आएगा, वो ऐसे नहीं अचानक हो गया कुछ प्रकट हो गया, नहीं होगा कभी भी, धार्मिक अनुष्ठान कभी अचानक हो नहीं सकते, धर्म कभी अचानक प्रकट नहीं होता है, ढोल बजा कर आता है धर्म, धर्म कैसे आता है कल बताऊंगा धर्म के बारे में, कल भगवान की कथा होगी जन्म की, तब मैं सिखाऊंगा कि धर्म जब आता है तो कैसे नगाड़े बजते, 6 महीने पहले से, सालों पहले से, जन्म पहले से धर्म का प्रागट्य होता है, तो कई जन्म पहले से संदेश आता है, मैं आऊंगा तेरे घर। धर्म अचानक नहीं आता किसी के जीवन में, मौत अचानक आ जाएगी, दुख अचानक आ जाएंगे, पर सुख भी अचानक नहीं आता किसी के जीवन में, यह ध्यान रखना। चोरी अचानक हो जाएगी, जेब अचानक कट जाएगी, पर कमाई अचानक हो सकती नहीं। अर्जितम, अर्जन, किसी चीज का अर्जन अचानक नहीं होता, नियोजन से होगा, पर गायब कुछ भी हो सकता है, खर्चा कुछ भी आ सकता है अचानक, जो जमा किया है अलमारी में उसे खर्च होने में हो सकता है तनक देर ना लगे, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाए किसी का घर में और ले जाना ही पड़ेगा पैसा, क्योंकि लहू लुहान रोड पे पड़ा है, सबसे कहना है बुरा अचानक हो सकता है पर अच्छा अचानक कुछ भी होता नहीं, अच्छा तो भैया नियोजित होता है धीरे 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 धीरे, है जी, आंधी में कितना बड़ा पेड़ अचानक, आंधी में कितना बड़ा पेड़ अचानक गिर गया, अच्छा रात रात में किसी को बड़े होते देखा पेड़ को, अचानक बुरा होता है, अचानक अच्छा नहीं होता किसी का। शंभूतम तर कथाम, नारद जी ने अपवीति कथा सुनाई जो उन्होंने जानी, अपवीति कथा सुनाई नारद जी ने, कहा व्यास जी ने जब कथा लिखी तो उस कथा का द्योतक भी मैं ही बना, मैंने ही व्यास जी को कथा लिखने की प्रेरणा दी, कैसे, मैत्रेय ने पूछा नारद जी आप और व्यास जी की भेंट कैसे हुई, आप मिले कैसे, तो भैया बताया चरित्र कैसे मिले, तो कहा सरस्वती नदी के तट पे व्यास जी साधना में ध्यान में बैठे,
और मैं ऐसे ही भ्रमण करते हुए परिक्रमा करने की आदत है मेरी नदियों की, मैं परिक्रमा करते सरस्वती के घाट पहुंचा जहां व्यास जी भजन ध्यान में बैठे। मैंने व्यास जी को देखा तो उनके चेहरे से बिल्कुल मेरे पिता ब्रह्मा की तरह निराशा झलक रही थी, निराशा। और भैया जीवन में कोई कितना भी अनमोल धनवान हो जाए, मैं गारंटी ले रहा हूं आपको, जिनके नाम है इतिहास में धन के लिए, जिन्हें लोग धन के लिए, एक बार सर्च करो नेट पे सबसे बड़ा धनवान कौन, उसका भी सर्च करके घर पे जाके चेहरा देख लो, वो मरा हुआ है, मुरझाया हुआ चेहरा है उसका, उसके चेहरे में सुगंध नहीं है, यश नहीं है, उसके चेहरे में कीर्ति नहीं है बिल्कुल भी, गम हुआ बैठा है, वो गम हुआ बैठा है। संपत्ति में नाम इतना है कि सर्च करो नाम उसी का आता है, नाम उसी का आता है, पर चेहरे पे सुगंध ही नहीं है मेरे। ऐसा हो गया व्यास जी का है रजमूलम सर्वधनम प्रधानम। भैया ब्रह्मा जी का चेहरा देख के नारद जी ने कहा कि इनका तो ऐसा लग रहा है सब खत्म हो गया, ये तो निराश हो गए। ऐसा ही व्यास जी का चेहरा सबसे ज्यादा खुश किसका रहता है, पहले वो समझ लो तब पता चल जाएगा। व्यास जी ने महाभारत लिख दिया था, व्यास जी ने महाभारत लिख दिया है, व्यास जी ने अनेक पुराण लिख दिए हैं, व्यास जी ने गीता लिख दी है, व्यास जी ने वेदों के अर्थ कर दिए, खंड कर दिए चार। इतना करने के बाद इतना बड़ा ज्ञानी भी सुस्ती में डूबा हुआ है, अज्ञान में डूबा हुआ है, दुख में डूबा हुआ है, गोता खा रहा है, प्रमाद में, आलस्य में, दुख में, क्लेश में, चिंता में, बेहद परेशान है, तो भैया ज्ञान का फायदा क्या है। नारद जी ने कहा महाराज आप जैसे महारथी अज्ञानी हो जाएंगे तो फिर ये मूर्खों का अज्ञानियों का क्या होगा, जिन्होंने वेदों की शक्ल नहीं देखी, जिन्होंने गीता को कभी देखा ही नहीं, जो कभी जानते नहीं पुराण क्या होता है, फिर ऐसे ये संसार के लोगों का क्या होगा, ज्ञानी लोग दुखी हो जाएंगे तो। पर हे नारद जी ने पूछा कि हे व्यास जी आपके दुख का कारण क्या है, दुख का कारण। नारद जी ने मैत्री को कहा कि मैंने पूछा व्यास जी से कि आपके दुख का कारण क्या है, तो तीन दिन से मैं जो कह रहा हूं, हो सकता है कोई नाराज हो जाए व्यास वगैरह मेरी कथा से, पर मैं जो कह रहा हूं मेरा कुछ नहीं कह रहा, मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं जो कह रहा हूं भागवत कह रही है, खाली मेरा यह शरीर जो है भगवान का दिया, इससे निकल रहा है सब प्रसाद, पर कहने वाला तो नारायण बैठा है, यहां नारायण निकल जाए तो घर वाले चिल्लाते, वो कुछ नहीं कहता, पड़ा 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 पड़ा। बोलिए इतनी खूबसूरत बेबी रो रही है, तुम कहां चले गए मुझे छोड़ के, एक बार मेरी तरफ देखो, पर वो बिल्कुल भी देखने की हिम्मत नहीं करता। नारायण चले गए नारायण, तो इंद्र देव महाराज कहां की घास भूस है, नारायण नहीं है तो भैया यहां से कुछ भी निकलने वाला भी नहीं है, कुछ नहीं निकलेगा। बड़े बड़े खूबसूरत गाल, बड़े बड़े खूबसूरत बाल, बड़े बड़े जवानी में चूर लोग चले गए, धराशाई हो गए, और भैया नारायण निकलने के बाद कुछ नहीं कह पाए, ये तक नहीं बता पाए कि चाबी वहां रखी है। सब लोग ढूंढ रहे हैं, जरूरत के कागज थे उनके हाथ में कुछ, वो न जाने कहां रह गए, अब ये इतना भी नहीं बता सकते कि जरूरत के कागज को बता जाएं, एक बार जीवित हो जाएं दो मिनट के लिए, पर भैया नारायण चला गया, अब ये हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं कह रहा, जो कह रहा है वो कहने वाला कह रहा है, मेरा तो खाली प्रयोग किया जा रहा है इस बॉडी का, मेरा तो खाली सहारा लिया जा रहा है इस तंत्र का, इस यंत्र का, मैंने माइक का सहारा लिया है तो ठाकुर जी ने मेरा सहारा लिया बोलने के लिए, आप तक जाने के लिए, पहुंचाने के लिए, भाई मदद है, ये तो प्रोसेस है एक दूसरे का, माइक बना दिया मुझे ठाकुर जी ने कंठ से। छत्तीसों की छत बनाई, आए छत्तीसों से छत बनाई, और नौका है दरवाजा, आए नौका है दरवाजा, और ये बंगला अजब बना भगवान राम नारायण बोल, बंगला अजब बना भगवान नारायण बोल,
यामी नारायण बोले, नारायण बोले यामी नारायण बोले, ये बंगला अजब बना भगवान यामी नारायण बोले, बंगला अजब बना भगवान यामी नारायण बोले, बंगला अजब बना भगवान यामी नारायण बोले। नारायण के घर को कौन कौन से पदार्थों से बनाया है वो मैं बताना। तीन गुणों की ईंट लगाई, तीन गुणों की ईंट लगाई, पांच तत्व का गारा, पांच तत्व का गारा, तीन गुणों की ईंट लगाई, तीन गुणों की ईंट लगाई, पांच तत्व का गारा, पांच तत्व का गारा, और छत्तीसों से छात बनाई, नौका है चौबारा, बंगला अजब बना भगवान, we'll be right back।
भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राम। बोलिए क्रांतिकारी प्रवर्तक राष्ट्रीय संत स्वामी श्री इंद्रदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। कैसे भी नारद जी ने इस बात को प्रमाणित कर दिया, दुख हर चीज का कारण है, प्रकृति के प्रारब्ध का, प्रकृति के विस्तार का। प्रकृति समझे कथा को, दुख से आविष्कार होते हैं, दुख से प्रजनन होते हैं। जब जब धरती दुखी हुई, गाय दुखी हुई, भगवान का प्राकट्य हुआ, आविष्कार हो गया, ठाकुर जी आ गए। दुख से ही नई नई चीजें, कितनी दवाइयां बनी है समाज में। दुख बढ़े तो प्रसन्नता हो रही है, विज्ञान बढ़ रहा है, सब लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, हंसे खेलें, तो एक भी कंपनी नहीं आएगी, दुकान गोली नहीं आएंगी, दवाइयां नहीं आएंगी। हर चीज का जन्म दुख से। सुख एहसास है, दुख भोग है। आदमी जब दुखी होता है तो खुद को बड़ा बुरा मानता है, और जब सुखी होता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है, सुख भुख तो सब हमारा कर्म है, हमारा ये है, और दुख हो जाए तो बचाओ रे बचाओ रे, फिर नहीं बोलता कि मेरा ही कर्म है ये, फिर बोलता है मैंने जब से जन्म लिया है तब से आज तक मैंने तो चींटी तक नहीं मारी, फिर ये बड़े बड़े पहाड़ मेरे ऊपर दुखों के क्यों टूट रहे। हमने कहा भैया चींटी तो 100 जन्मों तक भीष्म पितामह ने भी नहीं मारी, फिर भी बाणों की सैया पे बेचारा सुख सुख के क्यों मौत के मुंह में जा रहा। एक जन्म का हो तो मैं बताऊं, दुख तो हजारों जन्मों का साथ चलता है, पाप हजारों जन्मों का साथ चलता है, पुण्य भी चलता है। पर भैया पुण्य जल्दी प्रकट नहीं होता, पाप जल्दी प्रकट होता है। अब यहां से आप घर जाएंगे तो घर जाते जाते जितने भी नर नारी रस्ते में मिलेंगे उनमें से एक धर्मात्मा ढूंढ के बताओ आप, मिलेगा नहीं जल्दी से। हर जिस पे हाथ रखो वही पापी है, जिस पे हाथ रख दो, जिसको बुला लो गुड्डू पप्पू पापी भरा हुआ है पाप से। कहां है फिर पुण्य, उनके पास होगा थोड़ा बहुत, सबके पास रहता है। भीष्म जी के पास में अंधाधुंध पुण्य, अनाप शनाप पुण्य, और उस पुण्य के प्रताप से भीष्म पितामह 100 जन्म ले लिए मनुष्य के। दुख नहीं कभी देखा, और कब दुख देखा, जब दुर्गति में गंदी संगति में आ गए तो 100 जन्म पुराना पाप प्रकट हो गया। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप पापी भी हैं, आपके पाप भी हैं, तो भी आप बुरे लोगों में मत बैठो, नहीं तो बहुत जल्दी तुम्हारे पाप ऊपर आ जाएंगे और तुम्हारा बंडा फूट जाए। पापी हो के भी अच्छी संगति रहो तो आपके पाप जल्दी नहीं फूटेंगे, आप जन्म ले लेंगे, 100 साल जी लेंगे, अगला जन्म हो जाएगा और साल जी लेंगे, पाप पर भोगने का नंबर नहीं आएगा। अच्छी संगति से पाप हमारे भोग में नहीं आते, जैसे बुरी संगति करोगे एक भी पाप रहा तो फट से भोग में आ जाएगा और सब अच्छाइयों पे पानी फिर जाएगा, सब अच्छाइयों पे। नारद जी ने व्यास जी के चिंतन की कथा सुनाई मैत्रेय ऋषि की। भागवत का जन्म हो रहा है अभी कथा में, ये भागवत कैसे आ गई, कहां से आ गई, क्यों आ गई, इसका जन्म हो रहा कथा में। भागवत का जन्म तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था श्लोक के माध्यम से कि अचानक व्यास जी को स्वप्न पड़ा और दुखी हो गए, सपने को सच मान लिया उन्होंने, और सपने को सच मानकर बैठे नदी के किनारे मुंह लटका के। नारद जी ने कहा मेरा गमन हुआ और मुझे व्यास जी मिले, मैंने पूछा तदुखम च कारण
आपके दुख का कारण क्या है? आप नाराज क्यों है, निराश क्यों है? आप ज्ञानी वेद जाता है, आपने गीता लिखी है और गीता तो सब प्रॉब्लम्स का कारण ही दुख बता रही है और आप अब गीता के ज्ञानी होके ऐसा कर रहे हैं, कारण बताइए। सच में ब्रह्मा जी ने जो जवाब दिया था नारद को, वैसा ही व्यास जी ने दिया, कहा दुखी बहुत हूं पर मुझे कुछ नहीं पता मैं क्यों दुखी हूं, पर मुझे बार बार ऐसा लगता है कि मेरा कोई काम अधूरा रह गया है, मेरा कोई कर्म बिगड़ रहा है और जो मुझे जरूरी है मानव अवतार में जो मेरे लिए आवश्यक है वही छूट गया लगता है, ऐसा मुझे लगता है, पर क्या छूट गया वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरी बहनों और भाइयों जरा कथा को ध्यान से समझ लें। नारद जी ने कहा कि व्यास जी इतने ज्ञानी थे पर उनको अपनी कमी समझ में नहीं आ रही है कि वो कहां चूक रहे हैं कर्म करने में जिससे वो दुखी हैं, इतना वेदों का ज्ञान, कमी अपनी कब समझ में आती है? जब नारद जैसा कोई ब्रह्मज्ञानी सामने आ जाए, ब्रह्मज्ञानी। इसीलिए मेरा आपसे प्रार्थना है कि कोई नारद जैसा ब्रह्म जाता, ब्रह्म पुत्र, ब्रह्म योगी, जिसके नीचे से ऊपर तक झलक रहा हो कि ये ब्रह्म योगी है, ये बड़ा ज्ञानी है, बड़ा सच्चा है, ऐसा व्यक्ति कोई सामने आ जाए तो आप अपने दुख छुपाओ, प्रकट कर दो, प्रस्तुत कर दो और वो दुख का कारण जान लेगा और जान लेगा तो भैया वही के वही इलाज करके जाएगा, ब्रह्मज्ञानी आपको पड़ा हुआ नहीं छोड़ेगा। इसलिए जीवन में शादी न होगी तो चलेगा, पति न मिले तो चलेगा, पत्नी न मिले तो चलेगा, बेटा कभी ना हो चलेगा, घर में नौकरी कभी ना हो चलेगा और घर भी अच्छा ना बने चलेगा, पर बिना गुरु के एक पल भी मत रहो। गुरु करो, गुरु करो। क्यों भैया? तुम्हारे दुख इतने हैं कि गिन नहीं सकते, दिन भर दुखी दुख है, देखने में सुखी लग रहे हैं ऊपर से, कोशिश कर रहे हैं कि हम दिखाएं कि हम बड़े सुखी हैं, बड़े सुखी हैं, बड़े सुखी हैं, हैं? बढ़िया बाल, बढ़िया गाल, बढ़िया चमक, बढ़िया कपड़ा। अरे भैया जरा खोल के दिखाओ कितने सुखी हैं, जरा बताओ। खाली लिपस्टिक लगाने से सुखी नहीं हो जाता कोई, चमड़ी को सजाने से सुखी कोई नहीं हो जाएगा, अंदर का खोल के दिखाओ कितना कचरा भरा है, गमों का, दुखों का, बीमारियों का, टेंशन का, व्यवस्थाएं बिगड़ी है, कोई सुनने की तैयार नहीं है, बेटा जवान है, सुंदर है, पर माँ को नहीं मानता है बिल्कुल भी, माँ कैसे कहेगा मुझे नहीं मानता, बताएगी तो खुद की लाज जा रही है, इसलिए घुट घुट के जी रही है, ऐसे गम लेके बैठे सब, कोई किसी का नहीं कह रहा, भयंकर परेशान है सब औलाद से। कारण संस्कारम विदुच्यते है, खाना दिया, कपड़े दिए, फीस दी, स्कूल दिया, पर संस्कार अध्ययन नहीं दिया, तप नहीं दिया, जप नहीं दिया, जनेऊ नहीं दिया, कंठी नहीं दी। और ये मां 5 साल के बेटे को जनेऊ देना जरूरी है शास्त्र कहता है, और तूने 32 साल तक नहीं दिया तो ये तेरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तूने उसे अपना नहीं बनाया है तो ये तेरा होगा कैसे? 5 साल के बेटे को जनेऊ दे देती तू, मंत्र दे देती, कंठी पहना देती, फिर मैं देखता वो कैसे तेरी नहीं सुनता। अरे चले गए, माँ की तो बात छोड़ो, अपनी माता केकई का भी सुन लिया राम ने, क्योंकि 5 साल में गुरु बना लिया था, इसलिए पड़ोसियों का भी सुन लेता है, बेटा माँ की बात छोड़ो, बन चला गया, संपत्ति छोड़ के 5 साल की आयु में जनेऊ पहन लिया, गुरु बना लिया, तो क्यों नहीं सुनेगा माँ बाप का? एक शब्द बोला, जीवन त्याग दिया उसने, संसार त्याग दिया, धन वैभव सब त्याग दिया माँ के वचन के लिए, और तुम्हारा क्यों नहीं सुन रहा? तुम्हारा खा रहा, तुम्हारा पी रहा, तुम्हारे घर में सो रहा, तुम्हारे कपड़े पहन रहा, पर तुम्हारी नहीं सुन रहा। है औलाद की पूर्ति करने के लिए लोग कहां से कहां जाते हैं, छोड़ के औलाद की पूर्ति कर लो धन से, भैया पूर्ति कितनी भी कर लो, कितनी भी फीस भर लो, डिग्री लेके आ जाएगा तुम्हारे घर पे सर्टिफिकेट पढ़ाई का, पर भैया पुत्र बन के नहीं आएगा, बेटा बन के नहीं आएगा। कोई भी कॉलेज है नहीं भारत में जब बेटा बनाए जाते हो, जब पुत्र बनाए जाते हो, जब इंसान बनाए जाते हो, भैया कागज के टुकड़े पे साइन करने वाला सिस्टम है, तो मशीन बनाया जा रहा है, तुम्हारी औलाद को कमाएगा और तुमसे दूर चला जाएगा, कैसे काम चलेगा बोलिए ना, फिर औलाद क्यों भाई? हमसे दूर चली गई कमाने खाने, फिर औलाद चाहिए क्यों, क्यों चाहिए बताओ ना? चश्मा भूल के आ गए आप अपने घर पे, पर भैया चश्मा से फायदा क्या होगा? चश्मा तो देखने के लिए लगवाया था, अगर चश्मा देखने के लिए लगवाया है तो उसे आंखों पे चाहिए, अगर बेटा तुमने तुम्हारे लिए पैदा किया है तो तुम्हारे साथ चाहिए, फिर यहां हुआ नहीं चाहिए।
यहां वहां की बात आई तो फिर इधर उधर क्या देख रहे हो? सब यही तो हो रहा है तुम्हारे साथ में, हो क्या रहा है जरा बताओ, क्या हो रहा है बोलो? संतुष्टि, दिल मार मार के संतुष्टि कर रही है माएं, हैं? कहीं भी रहे वो खुश रहे, अब हमारा क्या, हम तो जी लेंगे, ये मन मार के जी रही है, बोल रही है, सच्चाई ये है नहीं, उसके दिल की भावना ये नहीं है, पर अब लोगों को उल्लू बनाने के लिए बोल रही है, अब हमारा क्या है, वो जहां है वो खुश रहे, मौज मस्ती ले, अब हमारा है ही क्या? ये तो भैया सब झूठापन है। क्यों, ये सब पैदा कैसे हुआ, ये सब खड़ा कैसे हुआ झूठापन? ये इसलिए खड़ा हुआ कि संस्कारों की कमी आ गई समाज में। कौन देगा संस्कार? सत्संग, शास्त्र, गुरुकुल, गुरु परंपरा, वैदिक परंपरा, ऋषि मुनियों की सभ्यता संस्कार देगी। दुनिया का कोई भी स्कूल संस्कार नहीं दे सकता है। स्कूल, स्कूल शब्द ही अच्छा नहीं, ये ध्यान रख लो आप, स्कूल अच्छा नहीं है शब्द। स्कूल का मतलब ही है संकुचित करना, स्कूल का मतलब संकुचित करना है, विद्यालय का मतलब है विराट करना। तो विद्यालय में जाओगे तो काम बनेगा, स्कूल में जाओगे तो कुछ नहीं बनेगा। अब आपकी इच्छा कहां पढ़ना, पढ़ो, मेरे कहने से कोई कुछ बदल नहीं जाओगे तुम, तुम्हें जहां पढ़ाना वहीं पढ़ाओगे, तुम जो करोगे वही करना है। पर भैया दुख भोगने के लिए भी तैयार रहो, अगर मेरी बात नहीं मानी तो दुख भोगने के लिए तैयार रहो, सजा भोगने के लिए तैयार रहो, औलाद की बकवास सुनने की तैयारी रखो अभी से। क्यों, क्यों? वेद जानम तदमूल योग, सर्वं भक्तान मूल भाव, व्यास न्यासोध्यास अभ्यास तद पुरुषाः। भैया जिसका अभ्यास गाढ़ा है, जिसकी मेहनत भी पक्की है, विद्या पक्की है, ऐसे व्यास जी भी परेशान हैं, तो फिर ऐरे गेरे नत्तु गेरे का करेंगे क्या? हाँ, न्यास ध्यास अभ्यास व्यास, अरे रे रे रे, इतना गाढ़ा पढ़ाई, इतनी अभ्यास, इतना तप, नदी में बैठ के तप, पानी में बैठ के तप व्यास जी का, फिर भी शांति नहीं, सुख नहीं, समृद्धि नहीं। और अंतिम गति, अंतिम गति ये देखो कि निपूते हैं, अभी तक बालक भी नहीं घर में बेचारे के व्यास जी के, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। पर ज्ञान की वजह से जी रहे थे, औलाद की उन्हें इच्छा कभी नहीं हुई, ज्ञानी थे वेदों के, और जिन्हें भैया शास्त्रों का ज्ञान रहता है वो औलाद के लिए बिल्कुल भी मोह नहीं करते, हो जा मत हो जा, दुनिया पैदा कर रही है, उसमें से एक दो को पढ़ा देंगे लिखा देंगे वही कुछ कर लेगा राष्ट्र का, अपने पेट में से पैदा होगा तभी राष्ट्र का भला होगा, ये कौन सा शास्त्र है? कहीं नहीं, किधर भी शास्त्र नहीं है। पर ये लोग खाम खा परेशान है, अपना ही चाहिए, अपना ही चाहिए, अपने खून का चाहिए। अरे भैया तुम्हारे खून का, तुम तुम्हारे बाप के नहीं हुए तो तुम्हारी औलाद तुम्हारी कहां से आएगी? खून में से थोड़ी कुछ अच्छा बनता है, जरा बताओ। हाँ जी, ना 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 ना, हाँ, खून में से कुछ नहीं अच्छा बनता, अच्छा तो शास्त्र बनाता है, अच्छा तो शास्त्र बनाता है। हाँ, ईमानदारी यह है कि मुझे जन्म जिन पिता ने दिया है वो बिल्कुल ऐसे नहीं थे जैसा मैं हूं, पर भैया शास्त्र ने ऐसा बनाया, मुझे पिता ने जन्म ऐसा नहीं दिया। रक्त मूधम न मेधाम, दुनिया का कोई पिता ऐसा जन्म नहीं दे सकता जैसा हम चाहते हैं। शास्त्र बनाता है, संस्कार बनाते हैं ऐसे, गुरु का ज्ञान बनाता है। राम को भगवान किसने बनाया, ईमानदारी से बताओ, रामायण सुनिए तो। राम तो भैया लाला पैदा हुए, नहीं तो रामायण सुन लो बालकांड। जब तक राम यज्ञोपवीत पहन के गुरु के घर यज्ञ करने नहीं पहुंचे, जब तक उन्होंने गुरु ज्ञान नहीं लिया, तब तक भगवान किसी ने माना नहीं है। पूरी रामायण में लिखा हुआ है, ये लाला ही लाला लिखा हुआ है उसमें। अचानक लाला भगवान कैसे हो गया? तो भैया भर लिया उसने गुरु के पास में से भगवत्ता को ले लिया उसने, संस्कारों से कन्वर्ट, दूसरा जन्म हो गया संस्कारों का। कौन कहता है? तो वेद कह रहा है। कौन सा वेद? सुनो, जन्म ना जायते शूद्र संस्कारम दुजोच्यते वेद पाठम भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। ये वेद मंत्र है, कहते भैया जन्म से तो ब्राह्मण का बेटा भी शूद्र ही है, वो ब्राह्मण होता नहीं है, ब्राह्मण उसे बनाया जाता है संस्कार से।
जन्म से कोई बनिया नहीं होता है, बनिया उसे बनाया जाता है संस्कार देके। ये हमारी दुकान है, ये तुम्हें करना पड़ेगा बेटा, तुम यहाँ जाओ आओ, यही हमारी रोजी रोटी है, इसी से हम आगे बढ़ेंगे। बेटा बाप की सुन के बढ़ता है फिर बनिया बन जाता है, पंडित जी की सुन के पंडित जी का बेटा वही करता है तो फिर पंडित जी हो जाता है। संस्कार पेट में से कोई पंडित जी पैदा हुआ? भैया वेद को झूठा कोई करो, आप में से हिम्मत है तो आ जाओ, है नाम के आगे भले चतुर्वेदी त्रिवेदी द्विवेदी फरंगली फलाने कुछ भी लिखो, तुम्हें जो लिखना है, लिखने से कोई थोड़ी हो जाएगा। द्विवेदी बनने के लिए दुनिया भर के पापड़ बेलने पड़ते हैं, एक वेदी होने के लिए भी 26 साल लग जाती हैं, फिर द्विवेदी होने के लिए 26 दूना, फिर त्रिवेदी होने के लिए 26 त्रिणा, फिर चौवेदी होने के लिए गिनती खत्म हो गई। 100 साल तो उम्र भी नहीं है, पढ़ाई में 100 साल निकल रही है, तो चतुर्वेदी होने के लिए तो लफड़ा है कि नहीं। इसीलिए संस्कार किसी महान गुरु के पास में चले जाओ और वहां निश्चय कर लो, हे गुरु जी मुझे इंसान बना दो, अगर मैं इंसान बन गया तो मुझे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंडित जी बनने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि मनुष्य नहीं बनाई। क्षत्रिय बनने की, वीर बनने की जरूरत क्यों पड़ती है? मनुष्य नहीं बना। भैया बनिया बनने की जरूरत पड़ी क्यों? क्योंकि मनुष्य नहीं बना इसलिए बनना पड़ा बनिया। हाँ ये पर्याय है, सब उपाकृतियां हैं, ये कर्म के आधार पर उपाकृतियां हैं। ये सब क्यों करना पड़ रहा है तुमको? एक बात बताओ, सच बोलो, हैं? राम जी का मंदिर अयोध्या में बनने वाला है, मंदिर जब बनेगा तब बनेगा, पर मंदिर बनने को जितनी सामग्री चाहिए उससे कई गुनी सामग्री अयोध्या में लोगों ने डाल दी पड़ी है। अब बताओ, अब इसको काहे को बनना है? पंडित जी राम जी को काहे को छत्री बनना है? इसको कुछ नहीं बनना है, ये इंसान बन गया। एक बार जो इंसान बन गया, पुरुषों में उत्तम पुरुष बन गया, उसे कुछ नहीं चाहिए, बिना मांगे सारा उसके पास में। तुम मंदिर बनाओ मत बनाओ क्या फर्क पड़ता है उसको, जयकार रोज हो रही है उसकी, अयोध्या में मंदिर बनेगा। सामान पहुंच गया, अरे सामान की तो बात छोड़ो, लोगों के घर भर गए नोटों से राम के नाम से, जब बनेगा तब बनेगा मंदिर, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कितने लोगों ने मजा लूट लिया उसका। राम के नाम से कौन कौन पैसे वाला नहीं हो गया? जिसको देखो मुझे ही देख लो, मैं भी राम के नाम का ही खा रहा हूं, तुम भी वही है भैया, जहां जो बढ़ रहा है वो राम की कृपा से बढ़ेगा। मेरे पास में जो यह सब काय का है, राम का है। गुरु वाक्यम जनार्दन, राम की छाया के नीचे आ जाओ, फिर बल्ले ही बल्ले है, खाली अनुचित और उचित यह जीवन जी को। परमात्मा श्री राम, परमात्मा श्री कृष्ण आज ये ज्ञान दे रहे भाई। व्यास जी के पास में ज्ञान अनुभूत है, अनोखा ज्ञान है, अद्भुत, और इतना ज्ञान है कि भैया जब व्यास जी का अवतरण है तब उस दुनिया के उस काल में कोई ज्ञानी ही नहीं व्यास के बराबर, सब ठेका उनके पास ही हर किताब लिखने का, इतना बड़ा ज्ञान है, और फिर भी दुख है, फिर भी अभाव है सुख का। ज्ञान से सुख नहीं बटोरा जा सकता, ये भागवत कह रही है, ज्ञान से सुख नहीं इकट्ठा किया जा सकता है। ज्ञान से सुख नहीं मिलेगा किसी को, ज्ञान से आप कलेक्टर होंगे, ज्ञान से आप एसपी होंगे, ज्ञान से आप मंत्री होंगे, जो भगवान करे हो जाए ज्ञान से, पर सुख नहीं आएगा ज्ञान से भैया। सुख कहाँ आएगा? जहां सुख है वहां जाओ, वहां से सुख मिलेगा। अच्छा बताओ, आप चबा रहे बबूल की दांतें, चबा रहे बबूल की लकड़ी, और आप स्वाद नीम का कैसे ले सकते हैं फिर? अब आप चबा रहे नीम और कहें कि बबूल का स्वाद आ जाए, नहीं आएगा, जो आप चबा रहे हैं वो मिलेगा आपको। सुख चाहिए तो सुख के बीज बो, सुख चाहिए तो क्या बो? सुख के बीज बो, बीज तो दुख के बोए जा रहे हैं भैया, कितने दुख के बीज बोए जा रहे हैं, ये तो कल्पना से बाहर है। मैं अगर मैं एक एक करके बताने लगूंगा तो तुम्हें नफरत हो जाएगी अपनी औलाद से, संसार से, परिवार से। नफरत नहीं करनी मुझे तुम्हारे अंदर पैदा, मुझे खाली ये कहना है कि आप बिल्कुल बीच में रहो सबके, और सबके साथ रहो, जैसे मैं सबके साथ रह के काम कर रहा हूं तुम भी रहो, मैं थोड़ी तुम्हें अलग करना चाहता हूं, नहीं। पर प्रमोदम स सर्व दुखम, अज्ञान अविवेक अभक्त कभी सुखी नहीं रह सकता, कभी सुखी नहीं है। किसी को देखो, आप इंद्र को सुखी मानते, स्वर्ग का राजा इंद्र, कुबेर है, कुबेर को सुखी मानते, भागवत इसका प्रमाण है।
बामन भगवान बन के विष्णु को आना पड़ा इनके सुख के लिए। ये सब दुखी थे, कटोरे लेके मांग रहे थे, दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, बर्बाद हो गए बर्बाद हो गए, स्वर्ग छिन गया स्वर्ग छिन गया स्वर्ग छिन गया, हमारा स्वर्ग चला गया, हमें रोटी खिलाओ कपड़ा दो घर दो। कुबेर कुबेर भी कटोरा लेके भिक्षा मांग रहे हैं, आज ऐसी नौबत आ गई भैया, समय आने में देर नहीं लगती, इसलिए सुख के बीज बोने पड़ते। कुबेर जो है सुख के बीज नहीं बो पाए, एक बार सुखी हो गए समृद्ध हो गए, स्वर्ग का राजा बन गया, धन का मंत्री बन गया, पूरी विश्व का धन उसका हो गया, उसने सत्कर्म बंद कर दिया, पूजा बंद कर दी, भजन बंद कर दिया, यज्ञ बंद कर दिया, गौ सेवा बंद कर दी, एक खजाना खाली हो गया उसका। आपके बैंक बैलेंस को भी बढ़ाना है तो राम चाहिए, कृष्ण चाहिए, कथा चाहिए, सत्संग चाहिए, यज्ञ चाहिए। केवल कंपनी खोलने से धन नहीं बढ़ेगा, परमार्थ के बगैर धन टिक नहीं सकता है। वृद्धि धन की धर्म से होती है, धन जो है कमाने से नहीं आता है। कितने लोग हैं जो बिल्कुल काम नहीं करते, नाम लूंगा टेलीविजन पर, ठीक नहीं, नाम ले लेके बता दो, जिनके पास में अपार धन है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, और रोज धन बढ़ रहा है, 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 और कितना धन बढ़ रहा है गिनती करने के लिए हजार हजार सीए लगे हुए, सौ सौ नहीं हजार सीए, मुंबई में ऑफिस, दिल्ली में ऑफिस, कलकत्ता में ऑफिस, अमेरिका में ऑफिस, केवल अर्थ को संभालने के लिए ऑफिस खोल रखी हैं। लोग उन्हें पता ही नहीं क्या आ रहा क्या जा रहा कहां से क्या, और भैया उनके नाम पर ही सब खाता बढ़ता जा रहा 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 है। देखो भैया, पर भैया कितना भी बढ़ जान दो सुख नहीं है बिल्कुल, अपनी औलाद से बेहद परेशान है वो लोग भी, अपने परिवार से अपने जीवन से बेहद परेशान है, इतने मुट्ठी भर के गोलियां खानी पड़ रही हैं। अबे सुखी आदमी काहे को गोली खाएगा भैया, समृद्धम तद सुखम, यह परेशानी वो परेशानी, ये बीमारी वो बीमारी, मुट्ठी भर के जी। पहले लोग पहले सगाइयों में बतासे बटते थे, सगाई में बतासे, पहले लोग मुट्ठी भर के बतासे खाते थे, अब गोलियां खा रहे हैं सफेद सफेद मुट्ठी भर के। अब बतासे बटना बंद हो गया, परंपरा खत्म हो गई तो नई परंपरा चालू होगी, खाए जाओ बेटा, हाँ समझ लो, परंपराएं जब बदलती हैं तो भैया आपत्ति लेके आती हैं, संघार लेके आती हैं, संघार आ गया है, कलयुग आ गया है, परेशानी आ गई है, हर परिवार को देख लो, रो रहे हैं, दुखी है, क्लेश में पड़ा है, संपत्ति की कोई कमी नहीं है, खूब कमाई हो रही है, पर भैया सुख ढूंढ रहे, लोग ढूंढ रहे हैं सुख, चलो सुख ले आए वहां से, चलो सुख ले आए वहां से, चलो सुख ले आए वहां से, भैया इतना पैसा है तुम्हारे पास फिर सुख इधर उधर क्यों लेते घूम रहे हैं, हमें उनके पास जाने से सुख मिलता है, फिर तुम्हारे धन किस काम आएगा, तुम्हारा पैसा किस काम आएगा, उनके पास जाएंगे तब सुख मिल रहा है तुमको, फिर तुम्हारा पैसा सुखी क्यों नहीं दे रहा, तुम्हारा कर्तव्य तो सुख क्यों नहीं दे रहा तुमको। मैं गारंटी लेता हूं, मुझे किसी के पास से सुख लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं वहां जाऊंगा तब सुखी होऊंगा, मुझे वहां से आराम मिलेगा, वहां से मुझे सुख मिलेगा, वो मिलेंगे तब सुख आएगा, मुझे कोई जरूरत नहीं, वो मिलो मत मिलो, पर भैया संसारियों को जरूरत है, वो मिलते हैं तो बड़ा सुख आता है, वो आते हैं तो बड़ा सुख लगता है, बड़ी शांति लगती है, क्योंकि भैया जिनके मिलने से सुख मिलता है इसका मतलब यह है कि उसका अभाव है तुम्हारी जिंदगी में, अगर वो तुम्हारी जिंदगी में भरपूर आ जाते तो फिर उनके मिलने का अभाव खत्म हो जाता, तो सुख बढ़ जाता, सुख हो जाता, सुख हो जाता, इसीलिए किसी हृदय प्रसन्न मन पसंद साधु को देख के कैसा मन खुश हो जाता है, साधु ने कुछ दिया नहीं लिया नहीं है कुछ नहीं, आके खड़ा हो गया, आरती करवा रहा, फूल फिकवा रहा और खड़ा है नीचे को गर्दन डाल के, जो कर रहे खूब मजा ले रहे, खर्चा करवा रहा दुनिया भर का, है कि नहीं, कितना खर्चा करवा दिया मैडम से, और साधु कुछ भी नहीं कर रहा है, और फिर देखो फिर भी उनको सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, सुख मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, दिव्यता मिल रही है, मैं तो चुप हूं भैया, ये व्यासपीठ पर ही है जो मुझे जवानी, बाद में जवानी भवानी सब खत्म हो जाती है, सब यही है, बोल बच्चन मौन व्रत रहता फिर तो कुछ नहीं है भैया, बहरे गूंगे अंधे हम तो बिल्कुल, हमें कुछ दिख नहीं रहा, हम कुछ सुन नहीं रहे, हमें बोलना ही नहीं आता, चुप रहते सुनते रहते सबका, फिर दिन भर जो जो आए बोलो 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 सबका सुनते, हमारे पास है ही नहीं किसी को भैया बदला देने का, कि हम कैसे बदला देंगे, है जी यहां तो बदले की दुनिया है,
101 रुपया दे दिया तो 111 डाल के आ जाएंगे, हम तो तेरी बेटी के में बदला है, यहाँ तो कुछ बिना बदले के चलता ही नहीं। और अदला बदली वाला हमें नहीं चलता, हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए, हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, आप भी अपना कर्तव्य पूरा करें तो फिर आप स्वतंत्र सुखी हैं, आपको सुख कहीं से भी बटोरने की जरूरत नहीं है, पड़ेगी नहीं। कहाँ है सुख? अब मैं आपको सुख के घर ले चलता हूं, कहाँ है सुख? एक ही जगह सुख है, किसी को भी पूछ लो। हा? राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुभारी। एक दूसरे के घर में झांक के देख रहे हैं, हा देखो सबका घर दूसरे का अच्छा लग रहा, अपने घर में सब बीमारी दिख रही लोगों को। भाई हम तो इतना करते ही, पर हमारी तो भैया ऐसा है वैसा है, फलाना है ढिकाना है, और देखो ये देखो ये तो 10 साल हुए इनको कॉलोनी में आए हुए, देखो कितने बड़े होंगे, हम तो कब से रह रहे, हमारे तो ऊंच नहीं हो रही, हमारा तो ये नहीं हो रहा, हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा। इतनी देर में वहां से एक पंडित जी गुजर रहे थे, पंडित जी ने कहा क्या नुकसान हुआ है तुम्हारा, का उन्नति नहीं हो रही। पंडित जी ने कहा वास्तु खराब है तेरा, वास्तु 3 लाख रुपए रखे थे वो पंडित जी ने लगवा दिए वास्तु में, तो और भूखे मरने लगते, वो 3 लाख रुपए से कोई जुगाड़ बन जाती तो वो वास्तु में लगवा दिए, पुरानी दीवार तोड़ के नई लगवा दी, फर्क कुछ नहीं है, नई ईंट लिया नया सीमेंट लिया वास्तु कर ले, यहाँ का किसी ने वहां कर दिया, अल्लाह बचा गरीब बना दिया बेचारे को, अब दर दर के ठोकर खा रहा वास्तु बदल के, अब कहाँ जाऊं, अब तो ऑपरेशन को भी पैसे नहीं है, घुटना दुखना, पंडित जी ने ऐसा वास्तु किया कि जब से बीमारी को भी पैसा नहीं छोड़ रहा। आए हो जग में, अब सुख ले लो थोड़ा कुछ अच्छा कर लो, आए हो जग में और कुछ करके जाना है, आए हो जग में तो कुछ करके जाना है, यह लोक बनाना है पर लोक बनाना बनाना है, यह लोक बनाना है पर लोक बनाना है। देखिए ये भजन मेरा बेटियों के ऊपर घट गया, बेटी कैसी होनी चाहिए कि मायके का नाम रोशन करे और ससुराल का भी नाम रोशन करे, बस हमारा जीवन बेटियों की तरह है। इस समय हम कहां हैं? दोनों लोगों को संभाल लो, बेटी का यही कर्तव्य है, हम सब जीवात्माएं परमात्मा की वही है। यह लोक बनाना है, पर लोक बनाना है, यह लोक बनाना है, पर लोक बनाना है, यह लोक बनाना है, पर लोक Thank you.
महाराजा सुखी महाराजा कहे सुख इंद्र कुभारी इंद्र कहे सुख चतुरानन को चतुरानन कहे सुख ब्रह्मा कुभारी ब्रह्मा कहे त्रिपुरारी सुखी त्रिपुरारी कहे सुख सबको निहारी सब जग जीव निहार दियो हरि भजन विनाश जीव दुखारी कुछ करके जाना है कुछ करके जाना है कुछ करके जाना है कुछ करके जाना है आए हो इस जग में आए हो इस जग में कुछ करके जाना है यह लोक बनाना काम आ सके ये जो संग जा सके जो संग जा सके देखो मेरा काम तो बन गया कि नहीं मैंने तो नहीं कहा कि मुझे पगड़ी और चुनरी साथ में डालो पर भैया जो जो है उसे वो मिलने ही वाला है देखिए एक बार हाथ खड़े कर लो सब लोग नहीं तो मैं दोनों को उतार के यहां से भाग रहा हूं कुछ करके जाना है या मर के जाना है कुछ करके जाना है या मर के जाना है कुछ करके जाना है या मर के जाना है करके जाना है या मर के जाना है आए हो इस जग में कुछ करके जाना है आए हो इस जग में कुछ करके जाना है सभी लोग बोल रहे होंगे महाराज वैसे तो सभी लोग कुछ न कुछ करके ही जाते हैं अच्छा एक बात बताओ शराब पी के लीवर गला के जाओगे तो वहां कौन पूछेगा तुम्हें बताओ ना अच्छा बताओ ना तंबाकू खा खा करके गले का कैंसर लेके वहां जाओगे तो कौन पूछेगा भैया कैंसर वाले का तो गलो घर में भी कोई प्यार नहीं करता वहां कौन करेगा यह लोक बनाना पर लोक बनाना है लोक बनाना है बनाना है लोक बनाना है हर लोक बनाना है
सबके हित का ध्यान भागवत जी को है भाई। इस लोक में यश और कीर्ति आपके फैलती है और परलोक में आपको आसन मिलता है। आनंद क्षुदान मूलम च लोकः, आप इस लोक का एहसास भूल जाएंगे परलोक में। कुछ अच्छा करके जाओगे तो घर की याद नहीं आती, फिर ससुराल अच्छा ना मिले बेटियों को तो खूब याद करती अपने मायके को। ससुराल के लोग और ससुराल अच्छा मिले तो बेटी अपना मायका भूल जाती है। माम पृथ्वी प्रजनंत मूधा, ये संसार हमारा मायका है, इसको भूलने के लिए आपको इतने सद्गुण इतने संस्कार प्रबल करने पड़ेंगे कि जब भी आप उस लोक में जाओगे सुख की सार में ससुराल में, तब वहां सम्मान मिलने को होना चाहिए आपको। समृद्धि तद सुखम न मेध। मैत्री ऋषि और गार्गी माता कथा सुनती हैं और नारद जी कथा का दर्शन करा रहे। नारद जी ने कहा, प्रथम मिलन पर मैंने व्यास जी को हरि भक्ति का मंत्र दिया और व्यास जी के पास में उसकी बहुत कमी है। व्यास भगवान इतने ज्ञानी पर वो हरि हरि को नहीं पहचानते, कौन हरि, क्या करना हरि के लिए। नारद जी ने कहा कि आपने इतना सब कुछ किया पर भगवान नारायण की लीलाएं आपने नहीं लिखी गाई। और भैया भगवान की लीला न गाए और न सुने उसको कभी सुख नहीं होगा, चाहे वो जितना ज्ञानी हो जाए। किसी को देख लो आप, इतने बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंट पढ़े पीएचडी करके बैठे किन किन विषयों में, पर सुख इतना भी नहीं उनके पास। क्यों क्यों सुख नहीं है? क्योंकि संतों ने कहा सुख केवल हरि के चरणों में है, हरि भक्ति में है। ज्ञान जरूरी है, विवेक जरूरी है, धन जरूरी है, कर्म जरूरी है, पर ये सब उस समय शून्य हो जाता है जिस समय आपकी आस्था परमात्मा से हट जाती है। जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करत सब कोई। भैया राम की कृपा पाने के लिए तो उनका सानिध्य चाहिए। आपको अंदाजा लगा लो, किसी मंत्री से भी कोई काम करवाना है तो उनकी भी चापलूसी करनी पड़ती है कि नहीं? उनकी भी निजदीक रहना पड़ता है, उनके भी निकट जाना पड़ता है और साहब जी करना पड़ता है। तो भैया काम बनाने के लिए तो साहब जी कहना ही पड़ेगा। तो भैया सब दुनिया का जो बड़ा साहब है वो तो राम जी है, तो आपको राम राम तो करना ही पड़ेगा। हाँ, उसके बगैर कैसे काम चलेगा, कैसे मनोबंध पूरे होंगे? संसार की कुशलता परमात्मा के पुरुषार्थ में है, संसार की कुशलता परमात्मा के पुरुषार्थ में है। कितनी बड़ी नौकरी आपके, अशांति से भरे हुए जी रहे हैं आप, कितना बड़ा हौदा है आपका, इतने बड़े शासन, इतनी बड़ी पुलिस फौज आपके अंडर काम कर रही है, फिर भी आप अशांति में जी रहे हैं, डिप्रेशन में जी रहे हैं आप, तत्काल परेशान है, न जाने क्या हो जाएगा ऊपर से। ये क्या जीवन है? ये ज्ञान तो है पर आपके पास समय नहीं है, एहसास नहीं अपने जीवन का, मानवता का। नौकरी सर्वस्व मान लिया आपने? अरे भैया नौकरी से खाली आदमी को नाम और दाम दो ही मिलता है, सुख नहीं मिलेगा, जीवन नौकरी नहीं देती है।
नौकरी से दो मिलते हैं, नाम बढ़ सकता है नौकरी करने से और पैसा बढ़ सकता है, पर समृद्धि कहां से आएगी, सुख कहां से आएगा, आत्म सुख, मन सुख, बुद्धि सुख, परिवार सुख, संसार सुख कहां से मिलेगा? सब जग देखा छान के, पूरी दुनिया देख ली, पर भैया संत समागम हरि कथा, भैया इसके सिवाय कहीं सुख नहीं है। देखो एक आदमी को भी कोई कोई सुख नहीं है, धरती में बैठे हैं सब, सब अपने अपने घरों के करोड़पति हैं, पर सब धरती में बैठे हैं, एक दूसरे के बगल में बैठ के टच बैठे हैं, खुजली हो रही है, बास आ रही है, पर किसी को किसी से कोई तकलीफ नहीं है, इसको सुख कहते हैं। अरे आदमी भौतिक संसार को बिसर जाए, भूल जाए, बैठे बैठे दुनिया भूल गए, परिवार भूल गए, घर भूल गए, आप जब मैं उठ जाऊंगा तब घर याद आएगा, उससे पहले याद नहीं आने दूंगा घर की तुमको, ये है सुख, इसको बोलते ये संवेदना है सुख की। चेहरे देखो खिले खिले लग रहे हैं, जैसे दुनिया की सब संपत्ति तुम्हें मिल गई हो, अभी कुछ मिला भी नहीं, अभी तो बाकी है 5 दिन, पर भर दिया सुख ने, समृद्धि ने, सच्चाई ने भर दिया, जगा दिया, जग जोड़ दिया, संसार कभी सुखदाई है ही नहीं। और भैया जिसने संसार किया जाके कान में पूछ लो, ईमानदारी से बजा, गंगा की सौगंध खा के बता कितना सुखी है तू, वो ये कहेगा है सब कुछ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सब बेकार, सब बेकार। अरे बेकार नहीं होगा, चिंता मत करो, आप आपको एकदम सरल आइडिया मेरे पास में, आपके पास जितना वैभव है, जितना धन है, जितना योग्यता है, उस सारे वैभव को, सारी योग्यता को सत्कर्म में यूज कर दो, आप अपने धन को, संपत्ति को, बुद्धि को आप सत्कर्म में यूज करो, जैसे आप फंक्शन करते हैं, उत्सव करते हैं, उसमें बस ये धर्म को साथ ले लो, धर्म को साथ ले लो। ये मैं नहीं कहता भैया, ये तो गीता कह रही है, मेरी कोई जरूरत नहीं तुम्हें धर्मात्मा बनाने की, ये तो भैया तुम्हारे इष्ट कह गए, कृष्ण कह गए, तुम्हारे भगवान कह गए, गीता में उपदेश दे गए, न धर्मम प्रमन्न मूलम च वेदम धर्म इच्छिता धर्मो रक्षति रक्षिताम। अरे भैया जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसे गोद में बिठा लेगा, सजा लेगा और सुंदर बना देगा, दिव्य बना देगा, सुखी बना देगा, समृद्ध बना देगा। अर्जुन ने कोई अच्छा काम नहीं किया, फिर भी देखो कितना समृद्ध हो गया, नाम कमा के चला गया, विजयी भव, धर्मात्मा हो गया, धर्म की विजय हो गई। अर्जुन ने कोई अच्छा काम नहीं किया था, लोगों को मारा महाभारत में, इसको मारा, उसको मारा, सबको मारा, कितनों को मारा, पर भैया कृष्ण भगवान की गोद में जा बैठा, धर्म की गोद में, क्यों? अलंकृतम भूषणम च, भगवान जो कहे मैं वो करूंगा, मेरी इच्छा कुछ नहीं है युद्ध करने की, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मुझे घर नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, भैया जिसमें लड़ाई हो वो कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो भगवान ने कहा तू कुछ मत ले, पर मेरी आज्ञा का पालन करो, उठाओ और मारो। तो मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा, मैं बाबा सन्यासी नहीं बना रहा तुमको, मैं कह रहा हूं जिसकी पूजा करते हो कभी कभी उसकी कहा सुनी भी सुन लिया करो, उसकी आज्ञा भी कभी कभी मानो, जिसकी तुम आरती कर रहे हो बंसी बजाने वाले की, धनुषधारी की, वो स्पष्ट कह रहा है कि मांस मत खाओ, अंडा मत खाओ, तमाम